और मना किन चीजों से किया गया है? फौहर से, जो आज घर घर नहीं बल्कि अब तो हाथ हाथ में कहूं और जेब जेब कहूं। क्योंकि पहले मैं रोना रोता था लोगों से, टेलीविजन जब आया था, कि अल्लाह के वास्ते शैतान को रोक लो, ये आंखों देखी बातें हैं। मुझे चांदनी चौक की वो दुकान याद है जहां सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया था और रखा गया था, और एक भीड़ का आलम था। मैंने वो गली मोहल्लों में हालत देखे कि जब चितरार आ रहा है तो पड़ोसियों यानी दरवाजे लोगों को घर के बंद करने पड़ते थे, लोग टूटे पड़ते थे देखने के लिए, पथरा होते थे, लोगों के घरों पर हमले हुए हैं। ये टेलीविजन की आमद थी। उसके बाद जितनी तरक्की हुई है, जितनी तेजी से इन मीडिया के जराए की, और इनका मिसयूज़ हुआ है, गलत इस्तेमाल, क्योंकि चीज़ बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल सही या बुरा होता है। उसके नतीजे में आज घर घर फौहश है। इंटरनेट का इस्तेमाल गलत अंदाज से, वो इंटरनेट जो पहले कंप्यूटर पे था, पे लैपटॉप पे आया, अब मोबाइल्स में आ गया है, और मोबाइल भी इतने सस्ते अब नेट वाले कि आप किसी तरह बच नहीं सकते। इस फौहश के रोकने के लिए हमारे पास सरदस्त कोई इंतज़ाम नहीं है। देखिए, जो बात हो रही थी यहाँ कही गई कि किरदार अक्कासी है उस बच्चे को जो कुछ सिखाया गया बचपन से। एज ए साइंटिस्ट, एज ए तालिब इल्म, साइंस के तालिब इल्म के तौर पे अगर मैं कहूँ, तो इंसान की शख्सियत में कुछ वो अनासिर हैं जिनको लेके वो पैदा हुआ, उनको आप जीन्स कह लीजिए, जिसको हम आम तौर में खून कह दें कि किस खून की पैदावार है ये, क्या जीन्स लेके आपने वालदेन से, और दूसरा उसे माहौल क्या मिला। आज बड़ा अहम सवाल यह है कि जिस किरदार की हम बात कर रहे हैं, क्या उसके लिए माहौल हमारे पास है, क्या उस माहौल को हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्या उस माहौल को पैदा कर सकते हैं। आप यकीन जाने कि हम इस खुशफहमी में तो हो सकते हैं कि हमने बच्चे को नमाज सिखा दी, उसे मस्जिद नमाज के लिए भेज दिया, लेकिन नमाज शायद 20 मिनट या आधा घंटे, बाकी 24 घंटे में से 18 घंटे जो टेलीविज़न घर में चल रहे हैं, उनमें जो प्रोग्राम चल रहे हैं, जो बातें हो रही हैं, देखिए बच्चा हर हर चीज़ नोट करता है। वो ये भी देखता है कि मेरे घर में मेरी माँ का रवैया क्या है, बाप का रवैया क्या है, किस तरह से लोगों से बात कर रहे हैं, उनका अंदाज तकल्लुम क्या है, किस तरह से गुफ्तगू है, और उसमें किस अंदाज की बातें हैं, टॉपिक क्या है, हमारे गुफ्तगू क्या है घरों के अंदर, कारोबार की, माल की, पैसा जमा करने की, या रिश्तेदारों की शिकायतें या बुराइयां, वो ये पहलू भी बच्चे नोट करते हैं कि मेरे अब्बा के खानदान के लोग आए तो अम्मी का रवैया कैसा था, और अम्मी के खानदान के लोग आए तो अम्मी का रवैया कैसा था। ये सब चीज़ें किरदार साजी कर रही हैं। बल्कि हकी बात तो यह है, जो मैं एक तालिब इल्म के तौर पर कह सकता हूँ, कि बच्चे की जहन साजी और किरदार साजी माँ के पेट से शुरू हो जाती है। तो मेरा फोकस माएँ हैं, वो बच्ची हैं जो कल की माँ होंगी, उनका जहन क्या है, क्या सोचती हैं, किस अंदाज की नस्लें पैदा करेंगी। आज ये इंटरनेट की बच्ची हैं मेरी, मेरी बहनें, जिनको यही तमीज़ नहीं है कि कपड़ा क्या पहनना चाहिए, किस तरह उठना बैठना चाहिए। अब यकीन जाने मैं कॉलेज में देखता हूँ, मुझे तकलीफ़ होती है, इन बच्चे को बैठने उठने का सलीका नहीं है, कसूर उनका नहीं है, क्योंकि मैं डील करता हूँ इस नौजवान नस्ल से। आप यकीन जाने पूरी जिम्मेदारी के साथ इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर कह रहा हूँ कि कसूर उन बड़ों का है जिन्होंने उन बच्चों को तरबियत नहीं दी। उसका सबूत मैं ये पाता हूँ कि इन बच्चों को जब मैंने पास बैठे कर अपने समझाया, इन्होंने सुना भी, और यकीन जाने अक्सरियत रो पड़ती है। किस बात पर रो पड़ती है कि सर हमसे ये बात किसी ने नहीं कही। कैसे माँ बाप हैं हम, बच्चों के लिए वक्त नहीं है। क्यों वक्त नहीं है? पैसा कमाने की झंझट, दो रोटी सबको मिल रही है। मसला क्या है कि ये अपवर्ड सोशल मोबिलिटी हमारी जो है, कि मैं मारुति से कब होंडा पे जाऊं और कब मर्सिडीज़ पे जाऊं, मेरा घर बड़ा हो जाए, सज जाए, जो पैसे की एक हविस है, जो सूरह तकासुर में है कि कब्रों के दहाने तक पहुंचते तक हम दुनिया को समेटते रहेंगे, और जो चीज़ समेटने की है वह खैरुल लकुम मिम्मा यजमाउन। कुरान ये कहता है, अल्लाह कहता है कि जो कुछ तुम समेटते हो सबसे बेहतरीन चीज़ ये कुरान है, इसको समेटो। उसको हमने समेटा है, लेकिन इस तरह के जिल्द बंधवा के, जुजदान में लपेट के, समेट समाट के सबसे ऊंची जगह पे, क्योंकि नीचे आ गया तो बेहरमती हो जाएगी। ये अंदाज है हमारे समेटने का।